डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, अभी हम लोग फिजिक्स में प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ के बारे में पढ़ रहे हैं, और प्रत्यावर्ती धारा का जो परिपथ के बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, वो परिपथ टोटल 6 तरीके की होती है। केवल प्रतिरोध युक्त, केवल संधारित्र युक्त, केवल प्रेरकत्व युक्त, और LR परिपथ, CR परिपथ, और एक तीनों को मिलाकर LCR परिपथ। तो टोटली अगर बात किया जाए तो ये टोटल 6 तरह के परिपथ हैं, जिसमें हम लोगों ने 5 परिपथ को डिस्कस किया है। LR परिपथ, CR परिपथ और उसके पीछे 3 परिपथ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आइए हम लोग आज चलते हैं LCR परिपथ के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो टॉपिक बनाया जाए LCR परिपथ। अब इस परिपथ से आपको नाम से पता चल रहा है कि इस परिपथ में हम लोग क्या क्या जोड़ने वाले हैं भाई। तो L जुड़ेगा यानी कि प्रेरकत्व, C जुड़ेगा मतलब कि संधारित्र, R जुड़ेगा मतलब कि प्रतिरोध, यानी कि तीनों जुड़ा हुआ रहेगा उस परिपथ में श्रेणी क्रम में, तब हम लोगों की वैल्यूज कितना धारा का वैल्यू प्राप्त होगा, कितना धारा प्रवाहित होगा, इसको हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो आप पहले इसके नीचे फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे माना कि प्रतिरोध आर कॉमा संधारित्र की धारिता सी, कैपिटल सी, तथा प्रेरकत्व एल प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, जिसमें ईनोट साइन ओमेगा टी का विद्युत वाहक बल भी जोड़ा गया है, जिसमें ईनोट साइन ओमेगा टी का विद्युत वाहक बल भी जोड़ा गया है। चलिए, अगर ऐसा सिचुएशन होगा तब हम लोग निकालेंगे कि अगर LCR परिपथ होगा तो हम लोगों का तत्कालिक धारा का मान, तत्कालिक मान कितना होगा। यानी कि यहां पे हम लोग लिखे कि LCR परिपथ में प्रेरकत्व मान लिए हैं क्या, तो LCR में प्रेरकत्व को हम लोग L मान लिए हैं, संधारित्र को C माने हैं, प्रतिरोध को R माने हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहां पे जो तीनों है, LCR है, ये परिपथ में तीनों कैसे जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, तो जरा फिगर कर लेते हैं। ये L है, ठीक है, ये L है, और फिर हम लोग C को जोड़ते हैं, ये संधारित्र है, और फिर R है, देख पा रहे होंगे तीनों एक श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है LCR। और इसके अलावा इस परिपथ में एक जुड़ा हुआ है क्या, एक जुड़ा हुआ है विद्युत वाहक बल, जिसको हम लोग ई नॉट साइन ओमेगा टी बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक विद्युत वाहक बल जुड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब जरा आप देख पा रहे होंगे कि यहां से यहां तक के बीच, यानी कि जहां प्रेरकत्व जुड़ा हुआ है वहां से यहां तक के हम लोग VL बोल सकते हैं, यानी कि प्रेरकत्व का विभव, जहां से जहां तक के
सी जुड़ा हुआ है इसको भी सी बोल सकते हैं। ये हुआ धारिता का विभव, और जहां से जहां तक के आर जुड़ा हुआ है इसको बोलते हैं भी आर, यानी कि प्रतिरोध का विभव। और इसका जो ग्राफ बनता है वो ध्यान दीजिएगा ग्राफ कैसे बनता है, क्योंकि ग्राफ ही इंपोर्टेंट है। इसका जो ग्राफ बनता है, ठीक है, इसका जो ग्राफ बनता है वो एक तरफ दो एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के तरफ अकेला प्रतिरोध को रखा जाता है, प्रतिरोध वाले विभव को, यानी कि वी आर, और ये दोनों में रिजल्टेंट परिणामी लिखा जाता है, यानी कि ये वीएल और ये वीसी है। तो टोटली इसका वैल्यू दिखा जाता है वीएल में से वीसी को घटाकर लिखा जाता है, तो यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू प्राप्त होती है। मतलब ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पे एलसीआर परिपथ में प्रेरकत्व और इसका संधारित्र का जो विभव है उसका अंतर लेते हैं, न कि जोड़ लेते हैं, ठीक है। यानी कि एक तरफ ग्राफ में अकेला वीआर को लिया जाता है और एक तरफ वीएल माइनस वीसी लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब रावत की सर ऐसा क्यों किया जाता है, तो ऐसा ही करने पर हमें जो प्रूफ करना है वो रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा। और जैसा कि जानते हैं कि हम लोग का जो करंट का वैल्यू होगा या फिर ईएमएफ का वैल्यू होगा उसका कालांतर थीटा रहेगा, हालांकि इसका कर्ण का वैल्यू देखा जाए तो ई है, यानी कि जिसका वैल्यू होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, यानी कि सब चीज वही होगा लेकिन यहां पर एल और सी का अंतर लिया जाता है। जब एल और सी का जब अंतर लेंगे तब हमें जो चीज प्रूफ करना होगा आई का मान प्रूफ होगा। चलिए तो अब आप यहां से फिगर में देख पा रहे होंगे ना, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, यानी कि उसके नीचे फिगर के नीचे हम लोग कैसे काम करेंगे, फिगर मिटाते हैं आप बना लीजिएगा। अब कर्ण का स्क्वायर यानी कि ईनोट का स्क्वायर, ई स्क्वायर सॉरी ईनोट नहीं, लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, तो लंब है वीआर का स्क्वायर प्लस वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ना कि यहां पे तो ई का स्क्वायर होगा और वीआर का मतलब होता है आई इंटू आर का स्क्वायर, क्योंकि प्रतिरोध इसका आर है, प्लस इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर इंटू, चाहे इसको ऐसा तोड़ लीजिए, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको हम लोग क्यों ना तोड़ ही लेते हैं, तो या फिर तोड़ने से तो कोई फायदा नहीं है, हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं। वीएल के जगह पे हम लोग पुट कर लेते हैं कितना, वीएल के जगह पर एक्स आई एक्सएल पुट करना होता है, तो आई एक्स एल यहां पर पुट कर दिए, माइनस आई एक्स सी पुट करते हैं ना होल स्क्वायर। देखिए ये चीजें कहां से आ रहा है, तो ये चीजें हम लोग एल आर और सी आर परिपथ में यूज कर चुके हैं, तो यहां से मिल रहा आई आर का होल स्क्वायर प्लस आई आई अगर कॉमन करेंगे तो आई स्क्वायर यहां भी होगा और एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, तो यहां से आई स्क्वायर अगर पूरा में कॉमन करेंगे, आई स्क्वायर पूरा कॉमन करेंगे तो यहां हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है, और इधर क्या बनेगा ई स्क्वायर। अब अगर यहां बात करेंगे तो आई स्क्वायर का अगर वैल्यू निकालना चाहें तो ये चीजें गुणा में है, ये कहां चला जाएगा भागा में, तो यहां हो जाएगा कुछ इस तरीके से ई स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर। अब यहां पे स्क्वायर अगर हटेगा तो इधर आके क्या होगा, रूट होगा, तो यहां से हम और ऊपर मिटाते हैं फिर, देख पा रहे हैं
यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट ई स्क्वायर बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर बराबर में आई। ठीक है, अब यहां से आप देख पा रहे होंगे कि ई स्क्वायर है तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है तो सिर्फ ई बचेगा और नीचे क्या बचेगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो कुल मिलाकर अभी तक के हमें वैल्यू किस तरीके का मिला है, तो आई बराबर इतना, इसलिए आई बराबर ई बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। दोस्तों यही है एलसीआर परिपथ के लिए प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालिक मान यानी कि आई, और ये जो नीचे वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिबाधा। ये प्रतिबाधा किसके लिए है, तो ये प्रतिबाधा एलसीआर परिपथ के लिए है, और प्रतिबाधा को हम लोग अक्सर जेड से सूचित किया करते हैं। तो यहां पे जो आपको याद रखना पड़ेगा कि हम लोगों का प्रतिबाधा कितना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, और ई का मतलब विद्युत वाहक बल और आई का मतलब एलसीआर परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा। यानी कि अगर आपको यहां पे हेनरी दिया रहे, जैसे दो हेनरी चार हेनरी का प्रेरकत्व और दो फराड का संधारित्र, तो इसको माइनस करके होल स्क्वायर करना है, तो ये हम लोगों का व्यंजक है। जरा इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, तो क्वेश्चन लिखा जाए, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे, लिखा जाए किसी प्रत्यावर्ती धारा के, किसी प्रत्यावर्ती धारा के एलसीआर परिपथ में, एलसीआर परिपथ में एलसीआर परिपथ में चार हेनरी का प्रेरकत्व, चार हेनरी का प्रेरकत्व तथा चार हेनरी का प्रेरकत्व तथा दो फैराड का संधारित्र, दो फैराड का संधारित्र और इसके साथ साथ, और इसके साथ साथ और इसके साथ साथ इसके साथ साथ रूट पांच एम का, रूट पांच ओम का, एम नहीं, इसके साथ साथ रूट पांच ओम का प्रतिरोध उस परिपथ में, उस परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। यदि इस एलसीआर परिपथ में, यदि इस एलसीआर परिपथ में
0.25 वोल्ट का विद्युत वाहक बल जोड़ा जाए तो 0.25 वोल्ट का विद्युत वाहक बल जोड़ा जाए तो इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा या तत्कालिक धारा का मान ज्ञात करें। विद्युत धारा या फिर इसी को हम लोग तत्कालिक मान भी बोलते हैं, तो उसका मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल क्या बोला कि एलसीआर परिपथ है भाई, और जब एलसीआर परिपथ देखते हैं, एलसीआर परिपथ जिसमें एल भी जुड़ा हुआ होता है, सी भी और आर भी, तो यहां पे सबसे पहले लिखिएगा कि क्या क्या दिया है। सबसे पहले कि कितना हेनरी का वैल्यू दिया है जो जुड़ा गया है, प्रकत्व एक्स एल का वैल्यू दे दिया आपका 4 हेनरी। संधारित्र में दिया एक्स सी 2 फराड। फिर दिया कितना ओम का जुड़ा हुआ है, तो √5 ओम। ठीक है, और फिर विद्युत वाहक बल कितना, तो 0.25 वोल्ट का विद्युत वाहक बल। तो सबका वैल्यू रखिएगा और आई का फॉर्मूला पे जो हम लोग व्यंजक प्राप्त किए हैं इस पे आप पुट कीजिएगा, जो राइट आंसर आएगा वो हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अभी हम लोग टोटल परिपथ यानी कि जो 6 परिपथ था, उस 6 परिपथ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और इस न्यूमेरिकल को बनाइएगा और फिर देखिएगा कितना आंसर आता है, सेंड कीजिएगा। फिलहाल चलते हम लोग आगे पढ़ते हैं कुछ। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे क्यू गुणक के बारे में, जिसको क्यू फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, क्यू गुणक या फिर क्यू फैक्टर टॉपिक दिया जाए, क्या है ये क्यू गुणक। क्यू गुणक टॉपिक देंगे, इसके नीचे फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे क्यू गुणक के बारे में। चूंकि हम जानते हैं कि एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रवाहित धारा का तत्कालिक मान I=I0sin ωt होता है, एक ही में लिखते जाइएगा, I=I0sin ωt होता है, उसी प्रकार उस परिपथ में विभव का तत्कालिक मान V=V0sin ωt होगा। अब लिखेंगे नेक्स्ट एरो में बताते हैं क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट एरो में लिखिएगा यदि धारा का शिखर मान I0 ऐसे, तथा
विभव का शिखर मान विनोट हो, विभव का शिखर मान विनोट हो तो दोनों के बीच कालांतर को क्यू गुणक कहा जाता है, क्यू गुणक कहा जाता है। देखिए सवाल समझिए, चूंकि हम लोग जानते हैं ये तो हम लोग को पहले ही टाइम में मिला था कि प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालिक मान और शिखर मान में क्या रिलेशन है। तो वहां पे हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा कि I बराबर I नोट साइन ओमेगा t होता है। ठीक उसी प्रकार V बराबर V नोट साइन ओमेगा t होगा, इसको हम लोग बोलेंगे कि विभव का तत्कालिक मान, इसको बोलेंगे विभव का शिखर मान और साइन ओमेगा t। यानी कि कुल मिलाकर अगर चीजों को देखा जाए तो जिस तरीके से हम लोग विद्युत धारा के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, सेम अप्लाई किया जा रहा है विभव के लिए, यानी कि भी मतलब विभव। अब दूसरा में एरो में लिखे हम लोग, यदि जैसे धारा का शिखर मान आई नोट है, शिखर मान को आई नोट से सूचित करते हैं, तो अगर विभव का भी वैल्यू अगर वी नोट हो जाए, विभव का भी वैल्यू शिखर वैल्यू कितना हो जाए वी नोट हो जाए, तो उसके जो कालांतर निकलेगा, उसका जो कालांतर का वैल्यू निकलेगा, उसी कालांतर को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोल देते हैं क्यू गुणक। यानी कि अतः उसके नीचे लिखिएगा कि विद्युत धारा का शिखर मान कितना आई, और देखिए ओम के नियम से हम लोग भी बराबर आई आर फार्मूला पढ़ते हैं ना। अब यहां से आई का वैल्यू क्या निकलता है, भी बटे में आर, भी बटा में आर, और भी बटे आर का मतलब कौन सी, तो भी का मतलब वहां होता है विभव, आर का मतलब प्रतिरोध, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग शिखर मान के लिए यूज कर रहे हैं तो भी का भी शिखर मान होगा, जिसको ई भी बोल सकते हैं, ई नोट भी, क्योंकि यहां पे विद्युत वाहक बल हो जाता है, ये स्पेशल विभव है। तो आपको लग रहा होगा कि सर आप कहीं कहीं भी नोट यूज करते हैं और कहीं कहीं ई भी यूज करते हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू